हेलो एवरीवन, मंकी पॉक्स क्या है और ये कैसे फैलता है, इसके बारे में बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। नंबर वन, मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस 1970 में डिस्कवर किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के देश में, और ये सबसे पहले 9 साल के बच्चे को हुआ था। नंबर टू, मंकी पॉक्स वायरस एक जोनोटिक डिसीज है जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है या फिर ह्यूमन से एनिमल में स्प्रेड होता है, बट पहले ये किस जानवर से निकल कर आया था ये हम अभी तक नहीं जानते। बट ऐसा कहा जा रहा है कि इन्फेक्टेड जानवर जैसे कि मंकी, चूहे, गिलहरियों, इन सब से ये फैल सकता है। नंबर थ्री, मंकी पॉक्स वायरस के मेनली दो वेरिएंट होते हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट एंड सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट। सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट को कॉन्गो वेरिएंट भी कहते हैं एंड कॉन्गो वेरिएंट वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। नंबर फोर, इनक्यूबेशन पीरियड, ये वो पीरियड है जब वायरस आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आया है लेकिन अभी उसके सिम्टम्स दिखने शुरू नहीं हुए। इस वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड 6-13 डेज का होता है, बट इन सम केसेस ये रेंज 5-21 डेज तक भी वेरी कर सकती है। नंबर फाइव, इन्वेजन पीरियड, ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी में इस वायरस के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं एंड इसके सिम्टम्स मेनली मसल एक, हेडेक, बैक पेन, लैक ऑफ एनर्जी, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स एंड फीवर है। बुखार होने पर आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं जिसकी शुरुआत फेस से होती है एंड ये बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी फैल जाता है। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवों पर ज़्यादा होता है एंड रैश पर खुजली एंड दर्द भी हो सकता है। नंबर सिक्स, बात की जाए ट्रांसमिशन की तो ये इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट होना इतना आसान नहीं है। मोस्टली जब बॉडीली फ्लूइड्स एक्सचेंज किए जाते हैं या फिर आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कॉन्टेक्ट में आते हो और या फिर अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल्स या फिर बेडशीट को यूज़ करते हो तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। नंबर सेवन, ये एक माइल्ड वायरस है और एक महीने के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, बट बच्चे ज़्यादा रिस्क पे हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।